भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। अडार वन परिक्षेत्र के 10 एकड़ में लगी आग, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? 11,110 वृक्ष में से अधिक वृक्ष जलकर हुए खाक। भंडारा जिले के अडार वन परिक्षेत्र में अचानक आग लगने से 10 हेक्टेयर जमीन में लगाए गए 11,110 वृक्ष में से अधिक वृक्ष जल जाने का मामला सामने आया है। जहां वन विभाग पर्यावरण को बचाने के लिए अनेकों उपाय करता, तो वहीं ऐसी छोटी घटना 1,000 वृक्ष की जान ले लेता है। हालांकि यह घटना कैसे हुई, कितने वृक्ष टूटे, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वन परिक्षेत्र का भारी नुकसान होने की बात बताई जा रही है। भंडारा जिले में वन विभाग की ओर से वन अडार सह वन क्षेत्र मार्गी में नियत क्षेत्र गेट दो क्रमांक 227, 242, 244, 251 में योजना के अंतर्गत कंपा के तहत सन 1900 में 10 हेक्टेयर जमीन धानला में लगाए गए थे। 3-3 मीटर के अंतर 11,111 जिसकी मंजूरी 30 अप्रैल 2004 को दी गई थी और प्रशासन ने 6 मई 2019 को प्रशासन की मंजूरी दी गई थी। करीबन 25 एकड़ में 11,110 वृक्ष लगाए गए थे। 14 मई 2022 को वृक्ष वन परिक्षेत्र में आग लगने की जानकारी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को मिली, जिसके बाद बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। 10 हेक्टेयर जमीन में अधिकतम वृक्ष जलकर खाक हो चुके हैं। जहां वन विभाग पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का अभियान चलाता है, तो वही ग्राम चालना में किए गए वृक्षारोपण में आग लगने से वन विभाग का भारी नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है वन रक्षक इस क्षेत्र में आगे नहीं, जिसके कारण उनको वृक्ष बढ़ रहे या कट रहे इसकी जानकारी नहीं। कई बार स्थानीय नागरिकों ने इसकी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन न उन्होंने ध्यान दिया न ही कोई उचित कदम उठाया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने इसकी जानकारी उप वन संरक्षक राहुल गवई को दी। उन्होंने घटना को गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच पड़ताल में जुट गए और इस घटना में जो भी गुनहगार है उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अडार वन क्षेत्र अधिकारी घनश्याम थोमरे ने जल्द से जल्द इसकी पूरी जांच पड़ताल कर अहवाल सादर करने को कहा। बालाघाट जिले सहित पड़ोसी राज्य में बहुचर्चित हो चुके लांजी और किरणापुर क्षेत्र में कम समय में राशि के दोगुना करने के मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बालाघाट में चर्चाएं सुर्खियों में बनी हुई थी तथा चारों तरफ नगर व जिले के तथा आसपास के जिलों में भी रुपए डबल में लगाए जाने की आतुरता के चर्चे सुनाई दे रहे थे। इसी दौरान राशि डबल करने के नाम पर एक दो आरोपियों के फरार होने के किस्से भी सामने आए, जिसके बाद बालाघाट जिला पुलिस इस मामले में सतर्क हो गई तथा मुख्यमंत्री ऑनलाइन में की गई शिकायत के बाद पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए नगद राशि के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के अनियमित जमा योजना प्रतिबद्ध अधिनियम 2019 की धारा 21 एवं 21-2 के तहत 3 मामलों में मुख्य सोमेंद्र कंकर राय ने हेमराज आमाडारे और अजय तिड़के 11 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में अजय तिड़के का भाई महेश तिड़के और हेमराज आमाडारे के साथ ही धनराज आमाडारे और कुंदन यादव फरार है, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही 16 मोबाइल और 3 वाहन भी बरामद किए हैं। जिले में बड़े पैमाने पर धान की फसल ली जाती है, लागत अधिक होने के बावजूद किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता, जिसके चलते सरकार द्वारा धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जाती है। लेकिन इस वर्ष किसानों से मात्र प्रति एकड़ 8 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। यह जानकारी मिलने पर गोंदिया भंडारा जिले के धान उत्पादक किसानों में बाकी का धान कहाँ बेचेंगे इसे लेकर चिंता गहरी हो
गई थी। किसानों की चिंता दूर करने के लिए सांसद सुनील मेंढे ने अधिग्रहण एवं सार्वजनिक वितरण नीति के निर्देशक मकरंद फड़के से चर्चा की। राज्य सरकार द्वारा केंद्र को अपर्याप्त सूचना भेजे जाने के कारण केंद्र सरकार गत वर्ष की तुलना में धान उपार्जन के लक्ष्य को दे नहीं सकी। राज्य शासन द्वारा धान की उचित जानकारी भेजने के बाद धान उपार्जन के उद्देश्य को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि दोनों जिलों का कोई भी धान किसान सरकारी धान खरीदी से वंचित ना रहे। किसानों में यह गलत सूचना फैलाई गई है कि प्रति एकड़ केवल 8 क्विंटल ही धान खरीदा जाएगा, लेकिन केंद्रीय स्तर पर हुई चर्चा के बाद यह स्पष्ट किया गया कि प्रति एकड़ 16 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। लिहाजा किसानों को चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा विश्वास सांसद सुनील मेंढे ने दिलाया। धार्मिक भेदभाव ना करते सभी समाज के सदस्यों को एक साथ मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अहिंसा से जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। वर्तमान परिस्थिति में देश में धार्मिक असहिष्णुता व हिंसात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस पर सभी समाज के सदस्यों ने जागरूकता से विचार करने से देश में अखंडता कायम रहेगी, ऐसा आह्वान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और साकोली क्षेत्र के विधायक नाना पटोले ने किया। वे साकोली में संत हजरत बाबा भाई साहब के उस समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। 16 मई और 17 मई को साकोली में आयोजित संत हजरत बाबा भाई साहब के उस कार्यक्रम के अवसर पर नाना पटोले ने कब्रिस्तान में 25 लाख विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उस वक्त हिंदू मुस्लिम कौमी एकता समिति के अध्यक्ष अश्विन नशी ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर शमीम अंसारी, मदीना मस्जिद के नईम अली, बिलाल भाई भूरा, सदु काबगते, किशोर पोगड़े, किशोर चन्ने, उमेश कथाने, फाजिल खान, फहीम कुरैशी, मुशीर खान व अन्य उपस्थित थे। इस दो दिवसीय उस समारोह के अवसर पर कानपुर में अखिल भारतीय गरीब नवाज परिषद के मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी ने सामाजिक प्रवचन किया था। इस अवसर पर सामूहिक लंगर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही शाही संदल निकाला गया व हजरत भाई साहब बाबा इनके दरगाह पर नाना पटोले व सर्वधर्मीय समाज भाइयों की उपस्थिति में शाही चादर चढ़ाई गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला परिषद के सदस्य मदन रामटेके, पिंका शेख, विष्णु रणदीवे, जावेद शेख, इमरान खान, मुन्ना पठान, कामरान खान, मोनिश खान, एजाज सैयद व अन्य सर्वधर्मीय समुदाय के सदस्यों ने सहयोग किया। भंडारा जिले के गणेशपुर में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान भगवान बरवे उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। बरवे यह शराब का आदी था। गणेशपुर बाजार में शराब पीकर बेहोश पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता पवन मस्के को इस बात की सूचना दी। पवन मस्के इन्होंने भंडारा सामान्य अस्पताल में बरवे को भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में भंडारा पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। बरवे की मौत से गणेशपुर में शोक का माहौल है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से नर हिरण की मृत्यु हो गई। यह घटना मंगलवार 17 मई की शाम 4 बजे खापा काटे बामनी राष्ट्रीय महामार्ग पर हुई। तहसील के खापा काटे बामनी परिसर में पानी की तलाश में गांव की ओर आए हिरण को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें हिरण की मृत्यु हो गई। मृत नर हिरण की आयु 3 वर्ष के आसपास होने का अनुमान है। मार्ग पार करते हुए यह दुर्घटना हुई। घटना की जानकारी मिलते ही तुमसर वन परिक्षेत्र अधिकारी GF लूचे कांद्री के वन परिक्षेत्र अधिकारी राठौड़, तुमसर के वन क्षेत्र सहायक निखाड़े गजबीए, कांद्री वन परिक्षेत्र सहायक साखरवाड़े हीरापुरे गोलू लांजीवा ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। इससे पूर्व परिसर में अनेक वन्य जीवों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए पार कर गया है। महंगाई आसमान छू रही है। इसके मद्देनजर भंडारा महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस ने घरेलू सिलेंडर और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ अनोखा आंदोलन किया है। अनोखी बैलबंडी यात्रा निकाल कर जिलाधिकारी संदीप कदम को निवेदन दिया और केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भंडारा जिला महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शहर के जलाराम चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक बैलबंडी रैली निकाल कर केंद्र सरकार का जमकर निषेध
किया और नारेबाजी की। इस वक्त भंडारा जिला महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी अनेक संख्या में उपस्थित थे। आज आम्ही हे आंदोलन महागाई विरोधात केलेला आहे। मी राष्ट्रवादी महिला जिल्हा अध्यक्ष सौ सरिता मदनकर भंडारा जिल्हा। आज आम्ही हे आंदोलन महागाई विरोधात इथे आयोजित केलं आणि बहुसंख्य महिला उपस्थित होत्या आमच्या आंदोलनाला। आंदोलनामध्ये मुद्दे होते की मोदी सरकारने या सत्तेवर आल्यानंतर सर्व लोकांचा जनतांचा जनतेची दिशाभूल केली आणि त्यांना आपल्या चुकीच्या गुंताब्यात घेऊन त्यांना डबघाईस आणलं, त्यांना बेघर केलं। ते कसं? आमच्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या जमान्यामध्ये 300-350 सिलेंडर आज 1100 रुपयामध्ये मिळतात, 40 रुपये कमी राहिलेले आहेत, फक्त 1100 रुपये राहिला। गोरगरीब महिलांनी काय करायचं, फोर क्लास लोकांनी काय करायचं, तसेच त्यांनी जी उज्ज्वल योजना प्रोव्हाइड केली होती आम्हाला महिलांना, तर ती योजना कोणत्या बेसवर त्यांनी आणलेली होती इथे? की 2 दिवस देण्यासाठी आणली होती की त्या महिलांना आपल्या गुंतातात आणून आम्हाला कसे मत मिळतील यासाठी आणलेली होती? तर मग काय प्रश्न होता त्यांचा? त्यांनी आमच्या महिलांना, ज्या महिला बिचाऱ्या चुलीवर कृषीने काढत जाळून स्वयंपाक करून लोकांना खाऊ घालत होत्या, कोणती 4-6 महिने त्यांना आपल्या गुंताब्यात आणलं आणि गॅस दिले, महिला खुश झाल्या। खुश झाल्या महिलांनी स्वयंपाक करणं चुलीवरचं बंद करून दिलं। इव्हन एवढंच नाही तर घरच्या लोकांना जेवण सुद्धा देणं बंद केलं, कारण की त्या नाराज आहे काय करते या मोदी सरकारचा। मोदी सरकारने एवढी दिशाभूल केली या महिलांची। बिचाऱ्या गोरगरीब महिला पुन्हा चुलीवर आल्या आणि चूल पेटवून आपल्या डोळ्यातल्या अश्रू गाळून राहिलेल्या आहे, अशी ही दयनीय अवस्था आमच्या महिलांची करून ठेवलेली आहे या मोदी सरकारने। त्या मोदी सरकारचा धिक्कार असो, धिक्कार असो। अध्यक्ष मिसेस शाहीन हकीम, आज हमारा आंदोलन महंगाई के खिलाफ था, महंगाई के विरोध में था। जिस तरीके से मोदी सरकार के ज़माने में सिलेंडर का भाव 1150 रुपये हो गया है, तुअर दाल का भाव बढ़ गया है, तेल का भाव बढ़ गया है, यानी हमारे रसोई में हमको सामान रखने लायक मोदी सरकार ने रखा नहीं है। सुबह जाओ, लेकर आओ, खाना बनाओ और ख़त्म हो जाओ, ऐसी वाली परिस्थिति आज हमारी महिलाओं की रसोई में निर्माण हो गई है। इस परिस्थिति को बदलना मोदी सरकार को पड़ेगा, इसके लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन करने के बाद जिस तरीके से बीजेपी सरकार के नेता यहाँ भंडारा ज़िले में जो स्थानीय नेता है उन्होंने लोगों को गलत आमिष दिखा के कि हम सभी कुछ करेंगे, पूरा विकास का काम हम भंडारा ज़िले में करेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ के स्थानीय आमदार खासदार जो कोई भी है उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो हम भंडारा की जनता को ये बताना चाहते हैं कि तुमने जिस धोखे में वोटिंग किया और इनको खासदार आमदार बनाया है, आज तुम लोगों का ये लोग विनाश कर रहे हैं, और जो तुम्हारा विकास कर सकती है ऐसी सरकार को चुन के लाओ। बीती रात अकौरी गांव में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत। अकौरी गांव में हुई घटना। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश रीवा जिले की। जवा थाना अंतर्गत अकौरी में रात लगभग 10 बजे के करीब मृतक की पहचान रामानुज सुरजू मांझी, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी चादी, एवं साथ में उनका भांजा रजनीश रामबली मांझी, उम्र 25 वर्ष, निवासी छतैनी टोला गाढ़ा, दोनों अपने घर से निमंत्रण के लिए निकले थे। तभी अज्ञात वाहन के द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गयी, जिसमे दोनों युवक को गंभीर चोटें आई है। वही एक युवक को उपचार के लिए 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। हालत गंभीर होने के कारण संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा के लिए रेफर किया गया। परिजनों द्वारा इलाहाबाद ले जाया जा रहा था, जहां लगभग 1 बजे के करीब रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही जवा थाना प्रभारी स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर अज्ञात वाहन पर मर्ग कायम कर शव का पंचनामा कर मामले की जांच में जुटी है। वहीं दोनों बॉडी को पीएम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा लाया गया है। जवा थाना अंतर्गत खरपटा गांव के पास रात करीब 1 बजे गौवंश से भरी एक एम्बुलेंस AP09TA1162 पलट गई। एम्बुलेंस में गांव वालों ने सोचा कि किसी मरीज की जान खतरे में है, तुरंत डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। मौके पर तत्काल जवा पुलिस पहुंच गई। एम्बुलेंस रात करीब लगभग 10 बजे चिल्ला से जवा की तरफ हुटर बजाते हुए
खलपटा गांव की तरफ गई। दो तीन बार एम्बुलेंस ने चक्कर मारा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि एम्बुलेंस की चेकिंग जल्दी नहीं होती है, क्योंकि उसमें मरीज की जान खतरे में रहती है। एक एक पल का सोचना पड़ता है, इसलिए पुलिस भी एम्बुलेंस को जल्दी चेक नहीं करती कि कहीं चेक करने के चक्कर में अगर दो चार मिनट चेक करने में लग गया तो इसके चक्कर में कोई अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से एम्बुलेंस मरीज के लिए जा रही है, ऐसा जानकर पुलिस ने भी ध्यान नहीं दिया और इसी का फायदा उठाते हुए उसमें 8 गौवंश को एम्बुलेंस के अंदर एंट्री कराया एवं उनको लेकर जवा की तरफ आ रहा था, लेकिन तेज रफ्तार के कारण एम्बुलेंस पलट गई। पलटने से 3 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई। पहले तो पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को सीधा करने का प्रयास किया एवं गौवंश को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन एम्बुलेंस इतनी बुरी तरीके से पलटी हुई थी और सड़क के किनारे फंसी हुई थी कि एम्बुलेंस को बिना सीधे किए गौवंश को निकालना बहुत ही मुश्किल था। फिर पुलिस ने जेसीबी बुलाकर पूरी रात कड़ी मशक्कत करने के बाद एम्बुलेंस को सीधा किया गया। 3 मृत एवं 5 जिंदा गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब आगे पुलिस तस्करों की तलाश करने में जुटी है। उक्त कार्य में आरक्षक देवेंद्र शुक्ल, राकेश भदौरिया की सराहनीय भूमिका रही।